विद्यालय के विज्ञान सेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आजकल अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी हमारे थोड़े से प्रकार बच गए हैं, उनको समझते हैं कि वो किस प्रकार से उनमें जनन की प्रक्रिया होती है। अब तक हम लोगों ने कितने जनन पढ़ लिए एसेक्सुअल अलैंगिक जनन में, कितने टाइप के? तीन टाइप के है ना। तो हमने फिशन देखा, फ्रेगमेंटेशन देखा और हमने रीजेनरेशन देखा। आज हम लोग देखते हैं, आज हम लोग कौन से सीखने जा रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, अलैंगिक जनन कितने प्रकार के हैं, देखकर याद आया? हाँ, छह प्रकार के। चलिए आज मेरे साथ नाम बोलते जाएं, और अगर आपका मन है तो जैसा आपने पहले करा था एक बार फिर से कॉपी में लिखना स्टार्ट करें, जैसे आपको ये नाम पक्के हो जाए। तो हमारा एक हम है पुनर्जनन रीजेनरेशन, ठीक है, एक है बडिंग मुकुलन, फिर है नाम गैस करिए, देखते हैं वो वाला आता है या नहीं, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु समासंघ। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन के है, और अभी हमारे इससे हम फ्रेगमेंटेशन खंडन, और एक कौन सा जो सबसे पहले पढ़ा था हमने, विखंडन फिशन। तो जो आप लाल देख रहे हैं आप समझ गए, इन तीन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिशन विखंडन में हमने किसका एग्जाम्पल पढ़ा था, याद है? सोचिए, अमीबा का है ना। और प्लेनेरिया देखा था कि कैसे उनमें एक विखंडन होता है, और हमने ये पढ़ा था फिर ये जो फिशन है विखंडन है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का है ना। एक बार जो को मेन कोशिका है वो कितने में टूटती है, दो में, और दूसरे में हमने देखा था बहुखंडन में, बहुत सी कोशिकाओं में, ठीक है। उसके अब और इससे पहले हमने अभी फ्रेगमेंटेशन और पुनर्जनन रीजेनरेशन के बारे में पढ़ा था। रीजेनरेशन पुनर्जनन किसमें हमने देखा था, कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है? पिक्चर देखी थी हमने, स्टारफिश देखा था है ना। तो कैसे उसका एक पार्ट जो कट जाता है वो एक नए जीव के रूप में, उसके जो उसके स्पेशलाइज सेल्स होते हैं वो उसको एक नए जीव के जितने अंग कटे होते हैं उनको वो डेवलप कर देते हैं, है ना। तो एक बार फिर से सोचते हैं कि रीजेनरेशन क्या है, कि जो पार्ट कटता है वहां पे, मतलब उसके बॉडी में इतने स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, जो पार्ट कटता है वो वाला पार्ट वो फिर से बना लेते हैं। और फ्रेगमेंटेशन में हमने किसका एग्जाम्पल पढ़ा था, स्पाइरो गायरा का है ना। तो आज हम कौन से पढ़ रहे हैं, कोई गैस है? चलिए देखते हैं, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बीजाणु समासंघ, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, और मुकुलन बडिंग के बारे में। बड तो आप समझ गए होंगे कैसे, बड कोई भी फूल होता है उसकी बड बनती है, कली बनती है, तो इसका मतलब है कहीं कुछ एक ऐसा फॉर्मेशन आता है जो एक नया जीव बन जाता है। तो चलिए चलते हैं, और आज का हमारा जो सेशन है इसको और डिटेल में, ये जो टॉपिक्स हैं इनको और समझते हैं। तो मुकुल, मुकुल मींस बड, ठीक है। तो ये जो होता है ये बड, जैसे हाइड्रा है, मैंने आपको जब वेजिटेटिव ये जो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जब बात कर रहे थे तब उसमें हमने हाइड्रा पहले भी देखा था, और ये दिखाया था कि कैसे वो एक क्या होता है, वो एक बर्ड बना लेता है। तो जीवों में जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होता है, नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर वो एक उभार बना लेती हैं, और ये जो उभार है इसको हम मुकुल या बर्ड कहते हैं। तो ये आप कहीं भी अगर अब हम जीवों की बात कर रहे हैं तो ये सारा खेल कोशिकाओं का हो रहा है,
ये सेल्स है जो हम कहते हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड से क्या हो रहा है, जब वो दो में टूट रहे हैं तो उनका नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कहीं आप पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ सेल्स, ये ज्यादा यूज होता है। मल्टीप्लिकेशन का हम और दूसरे सेंस में यूज करते हैं। तो जब ये सेल में, जब एक से जो सेल है वो टूट रहा है, दो में बन रहा है, इस प्रकार से बहुत ज्यादा सेल्स बनते चले जाते हैं और एक नया जीव बन जाता है। तो यहाँ पे अभी जो हम हाइड्रा का एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ यहाँ के जो उसके स्पेशल सेल्स हैं, वो उनमें विभाजन होता है, वो और नंबर में होते चले जाते हैं और एक मुकुल बड का रूप बना लेते हैं। अब ये जो आपकी यहां देख रहे हैं, ये जो बड है, ये एक नए जीव के रूप में डेवलप होने लगती है और ये हो जाता है मुकुलन या बड़े। तो हाइड्रा में जो कोशिकाएं के नियमित विभाजन के कारण, जो एक स्थान पर हमने उभार देखा था, ये उभार जो है, ये जो मुकुल है, ये वृद्धि करता हुआ और एक नए जीव में बदल जाता है और पूर्व विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। जनन की यह प्रक्रिया जो होती है वो मुकुलन कहलाती है। इसमें आप देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर होता है, बच्चे लिखना भूल जाते हैं, वो एकदम कह देते हैं मुकुल बनता है, लेकिन ये कब अलग होता है, ये जो है इसको हम कहते हैं पेरेंट बॉडी। ये पेरेंट बॉडी से कब अलग होता है, जब वो पूर्ण विकसित हो जाता है, जब उसके अंदर जितना एक पेरेंट बॉडी के जो सेल स्ट्रक्चर, जो पूरा एक बॉडी जो हो जाता है, जब हम कहते हैं हाइड्रा है ये है, जब उसका वो पूरा रूप हो जाता है तब वो अलग होता है। तो यहां देखें, यहां अलग हुआ नहीं, ये अभी बर्ड बन रही है, मुकुल बन रहा है, लेकिन क्या ऐसे टेंटिकल्स इसमें डेवलप हुए, नहीं। फिर यहाँ पे ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और धीरे धीरे बढ़ता हुआ, जब इसका जो रूप है, स्वरूप है, जो पेरेंट बॉडी के बिल्कुल हमें सेम दिख रहा है, जब ये हो जाता है तब ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। इसमें हमने जैसे अभी हाइड्रा का एग्जाम्पल देखा, ऐसी ही यीस्ट होती है, रीस्ट का ये पेरेंट रीस्ट है, इसमें ऊपर ये बर्ड बनी, ये बर्ड में डेवलपमेंट हुआ, जब ये पूरा एक उस रूप में आ गया है जो एक पेरेंट बॉडी जैसा पूरा रूप हो गया, तब ये अलग हो जाता है। और यीस्ट का ये है, इस टाइप से ये चेन बनाता है, ये देख रहे हैं ना, एक बर्ड बनी, उससे दूसरी और बर्ड बनी, और बर्ड बनी, तो इस प्रकार से ये जो यीस्ट है, ये अगर हम देखें तो हम इसको बर्डिंग का जो प्रोसेस होता है, ये पूरा एक चेन की तरह होता है और इस प्रकार जो यीस्ट होती है वो बहुत जल्दी एक से बहुत ज्यादा नंबर में वो मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन बहुत जल्दी जल्दी होता है। और ये जो यीस्ट है, ये हम लोग अपने जो फर्मेंटेशन का काम करता है, जो हम ब्रेड में, केक बनाते हुए और बिस्किट में, जो हम खमीर उठाते हैं, इवन जो आप लोग को छोले भटूरे पसंद होंगे, तो भटूरे का आटा क्या होता है, हम लोग दही के साथ, किसी के साथ मिलते हैं, तो ये सब हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। और ये यीस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है जो एक बहुत जल्दी फर्मेंटेशन करता है। वो जल्दी फर्मेंटेशन क्यों करता है, क्योंकि इस टाइप से उसमें चेन बनती चली जाती है और बहुत जल्दी वो नंबर में इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि मल्टीपल कैसे बहुत जल्दी हो रहे हैं उसका, इसलिए मैंने थोड़ा फर्मेंटेशन के साथ आपका करा। लेकिन अभी हमारा ये क्या जो टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है प्रजनन के बारे में, कि कैसे हमारा रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो वो एक प्रोसेस है, ये हम एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू यीस्ट नंबर में बढ़ते हैं या प्रजनन करते हैं। दूसरा जो आज का हमारा हमने जो एक और रूप, जो एक और फॉर्म देखना है, वो है बीजाणु समासन, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये जो होता है, ये अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में जनन के लिए विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं।
इन संरचनाओं के ऊर्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये देखिए, ये राइजोपस में होता है, और ये जब होता है तो ये जो संरचनाएं होती है, देखिए ये है, ये ऊपर एक स्पेशल प्रकार की संरचना बनती है। इसको हम कहते हैं बीजाणुधानी। बीजाणुधानी मीन्स जिनमें बीजाणु होते हैं, जिनमें स्पोर्स होते हैं, और इन जो हमारे ये जो हमारे बीजाणुधानी है ना, ये जो स्पोरेंजियम है, ये इसमें ही जनन के लिए बीजाणु पाए जाते हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर ये जब फूटता है ना, तो ऐसे ही छोटे छोटे बीजाणु निकलते हैं, और ये बीजाणु जब उनको एक फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, जब उनको जितना टेम्परेचर चाहिए, जितना मॉइस्चर चाहिए, या जो अपनी सराउंडिंग ऐसी चाहिए, जब इनको वो सब मिल जाती है, तो वो एक नए फॉर्म में, मतलब एक पूरे जो जो एक डेवलप फॉर्म है, उसमें वो डेवलप कर जाते हैं। तो ये इसका एक एग्जांपल हमने लिया राइजोपस का। तो राइजोपस के एग्जांपल से है कि ये राइजोपस है, इसमें ये आपके बीजाणुधानी, या हम स्पोरेंजियम कहते हैं, इसमें आपके बीजाणु, या बीजाणु को हम इंग्लिश में स्पोर्स कहते हैं। ये स्पोर्स जब स्प्रेड होते हैं, सॉइल में कहीं गिरते हैं, और वो फिर एक नया राइजोपस बना देते हैं। तो इस प्रकार से जो राइजोपस है, उसमें जनन का जो प्रोसेस होता है वो चलता है। अब ये जो बीजाणु की विशेषता क्या होती है, बीजाणु के चारों ओर क्या होता है, एक मोटी भित्ति होती है, और ये मोटी भित्ति का ये काम है कि जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है, उसको खराब नहीं होने देती है। तो जैसा मैंने अभी बोला था कि उसको जब प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर मॉइस्चर, ये सब जब मिलता है, जो उसको उसके जनन के लिए, जो उसको डेवलपमेंट में उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, वो अगर वो चीज नहीं मिली है, तो ये जो मोटी भित्ती होती है, वो उसको किसी भी क्षति से बचाकर रखती है। जो बीजाणु बीजाणुधानी के फटने के बाद वो इधर उधर फैल जाते हैं, नेचुरल है कि जब वो इतने छोटे हैं, तो वो हवा के झोंके या हवा के साथ वो कहाँ कहाँ, कितनी दूर वो उड़कर जा सकते हैं। और प्रतिकूल परिस्थितियों में इस मोटी भित्ती कि वो जो ये जो उसकी रक्षा करती है, और जैसे ही इनके अनुकूल वो परिस्थिति होती है, वो क्या होता है, वो वृद्धि करने लग जाती है, और वो नए जीव को उत्पन्न करती है। तो जो चीजें मैंने अभी आपको बोली थी, वही सब मैंने लैंग्वेज में लिख दी है, कि अगर आप चाहें तो एक बार इसको खुद पढ़ के समझ सकते हैं। यही कारण है कि इस बीजाणु जनन द्वारा जो जीव है, उनको लाभ प्राप्त होता है, और वो अपने जो प्रतिकूल जो स्थितियां हैं, जो प्रतिकूल हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, उसमें अपने को बचाकर रखता है। तो देखिए, ये सारे क्या एक नेचर से प्रोवाइडेड है। हम इंसान, या अगर हम पशु पक्षी भी देखें, तो उनके पेरेंट्स हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको जब ठंड है तो उनको ढककर रखते हैं कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। लेकिन ये ऐसे छोटे हैं कि बीजाणु कहाँ कहाँ अपने पेरेंट बॉडी से बहुत दूर चले गए, लेकिन वो अपने में उनको ऐसी उनका स्ट्रक्चर होता है जो उनको प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाकर रखता है। आप देखें, जो अभी मैं कह रही थी कोट होता है, तो ये होता है मेन, ये होता है ये पार्ट जिससे नया एक आपका जो जीव है, या जो एक बॉडी है, वो डेवलप होगा। लेकिन ये इसका ऐसा कोट होता है जो बाहर की जो अनुप्रतिकूल परिस्थिति है, जो आपकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, उनसे आपको इसको बचा कर रखता है। और जब आपकी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तब इसको डेवलप करने के लिए वो एक तब इसको वो पूरा डेवलप होने देता है। तो ये हमने स्पोर्ट्स का देखा कि कैसे हमारे जो स्पोर्ट्स है, वो एक नया जीव बनाने में हेल्पफुल
होते हैं। तो ये हमने पढ़ा था राइजोपस का एग्जाम्पल, कि कैसे राइजोपस जो है वो एक स्पोर्ट्स के द्वारा वो अपने नए जो प्लांट बॉडी है उसको वो डेवलप करता है। तो आज हमारा सेशन ये यहीं पे मैं रोक रही हूँ। अगले सेशन में हमारा एक और पार्ट बच रहा है जो हम सीखेंगे कि उनमें कैसे प्रजनन होता है, उस विधि द्वारा कैसे प्रजनन होता है, वो अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो जो अब तक हमने पढ़ा है, हमने देखा कि कैसे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसके डिफरेंट प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। तो आप इसको रिवाइज करते चले जाएं, और जो जब भी आप नया सेशन पढ़ें, पुराने पर सेशन को थोड़ा सा दिमाग में लेते हुए तब आगे चलेंगे उसको रिवाइज करते हुए। तो आप अभी ही अपनी याद करते जाएंगे जिससे आपको आगे के जो पढ़ाई है उसको करने में आसानी होगी। अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। बाय।